हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू हिंदी मेरा चैनल सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मेरे पर फिर से स्वागत है अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं कल हमने इसका हाफ़ पार्ट आपके लिए अपलोड किया था आज फिर से आपके लिए हाफ पार्ट लेकर आ चुके हैं कल हमारी सेवन यूनिट तक हो चुका था अब एट यूनिट से हम शुरू करते हैं दोबारा से बी ए पी एस एन एक सौ बीस रणनीति विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएँ अब आपको थोड़ा सा चीज़ें हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ बुक है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है तो जो आपको टॉपिक हमने बताए हैं उन टॉपिक्स को आप ध्यान से देखिए और उनको करिए कहीं ना कहीं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये टॉपिक भी पढ़कर जा रहे हैं एग्ज़ाम में क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसके ये पहली बार पेपर लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे कि आप तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुँचाने की अगर नहीं होते हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़कर भी आप अपना अच्छा पेपर कर सकते हैं अब यहाँ पर देख लीजिए समानता के बुनियादी सिद्धांत आप पढ़कर जाइएगा और समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं इसको आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा औपचारिक अवसर परिणाम ठीक है और स्वतंत्रता और समानता में संबंध ये ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं नए चैप्टर पर और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे लगता है वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन ना ही उन्होंने सब्सक्राइब किया है और ना ही वो वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो प्लीज़ आप तक कितना बेनिफिशियल कंटेंट पहुंचता है तो आपको एक लाइक शेयर तो करना चाहिए और साथ में अगर हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो वो भी आपको बन जाना चाहिए क्योंकि आपका हमारा साथ फर्स्ट सेमेस्टर लेकर सिक्स सेमेस्टर तक रहने वाला है और आप हिंदी मिरर हमेशा आपकी हेल्प ऐसे ही करता रहेगा और आप भी लाइक और शेयर करते रहिए चलते हैं नाइन यूनिट की तरफ अधिकार अब यहाँ पर क्या टॉपिक आपके बन सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हंड्रेड परसेंट मान के चलिए कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे अधिकार का अर्थ परिभाषा अधिकारों का वर्गीकरण और सिद्धांत बस तीन ही टॉपिक हैं यहाँ पर जो आपको पढ़ने हैं चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ कुछ आ, जो आपकी बी ए पी एस हमने अपलोड की थी तो मुझे लगता है शायद हमने सेवन तक की थी लेकिन हाफ़ ही की थी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं शक्ति सत्ता और वैधता अब यहाँ पर शक्ति क्या है शक्ति का स्वरूप और शक्ति के स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट हंड्रेड परसेंट करके जाइए बन सकता है क्वेश्चन फिर इसके बाद है यहाँ पर सत्ता सत्ता भी पढ़ लीजिए लेकिन सत्ता को अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे लेकिन शक्ति को जरूर कर लीजिएगा और इसके प्रभाव के प्रमुख स्रोत जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ आपकी नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं कर कितने प्रकार के क्वेश्चंस निकलेंगे और क्या यूनिट है आपकी यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं शक्ति से आप क्या समझते हैं इसके स्रोत बताइए शक एक प्रश्न आप ये तैयार कर लीजिए सत्ता को परिभा परिभाषित कीजिए सत्ता के प्रकार बताइए सत्ता के कार्य और विशेषताएं बताइए इस क्वेश्चन आपके निकलेंगे निकलेंगे सत्ता और शक्ति तो जरूर कर लीजिएगा एक बार को आप वैधता नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा अब आ चुके हैं यूनिट अलेवन पर कानून की अवधारणा ये यूनिट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर कानून का अर्थ है परिभाषा कानून के आशा आवश्यक तत्व क्या हैं इनको भी आप कर लीजिएगा इसके बाद एक आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका मैकलवे के अनुसार कानून के प्रकार बताइए वैसे सिंपल कानून के प्रकार आप करके जाइएगा तो लेकिन ये भी आप कर लीजिएगा पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है और जो ऊपर के दो टॉपिक है ये आपके लॉन्ग में बन सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग का अलग अलग पैटर्न होता है पूछने का जो आपके थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट ही बनते हैं शॉर्ट टॉपिक होते हैं वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही निकलते हैं जो शुरू के दो टॉपिक होते हैं वहाँ से मोस्टली लॉन्ग ही निकलते हैं लेकिन जैसे अगर आपका अब आप जैसे यहाँ पर निबंधात्मक में इन्होंने कहा कानून से आप क्या समझते हैं इसके स्रोत अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में निकल कर आया ये है ना शॉर्ट इन्होंने शुरू में ही दे देते हैं ये अब है ट्वेल्व यूनिट न्याय की संकल्पना क्या है न्याय की संकल्पना यहाँ पर पढ़ना है ये यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है न्याय का अर्थ है परिभाषा और यहाँ पर जो आपको पढ़ना है न्याय के विचार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन मध्य पुनर्जागरण पुनर्जागर पढ़ लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है और पर्टिकुलर आपसे कोई एक भी पूछा इसमें से जा सकता है जैसे कि आपसे मध्यविघिन पूछ लें या फिर पुनर्जागरण पूछ लें तो इसमें पुनर्जागरण न्याय पूछ लें तो शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा तो कोई पर्टिकुलर एक पूछेंगे और अगर लॉन्ग निकलेगा तो सब कुछ पूछेंगे तो सबको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा बस इतना ही यहाँ पर ये प्रकार पढ़ लीजिए और उसके बारे में अर्थ परिभाषाएं इतना ही चाहिए होता है ना चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ आपकी ट्वेल्व यूनिट हो चुकी हैं हाफ पार्टिकल डल पाए थे अब आगे देख लेते हैं क्योंकि अभी जो आपकी वीडियो अपलोड हो रही है वो चार से पाँच डेली वीडियो अपलोड हो रही हैं जिससे हम कम टाइम में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचा पाए हो सकता है कलर परसों आपकी एक भी वीडियो अपलोड ना हो इस वजह से हमने सारा कंटेंट आप तक पहुंचा दिया है जो आपका ट्वेंटी नाइन तक पेपर होने हैं वो सारा कंटेंट आप तक आ चुका है आप वीडियो देखते रहिए और अपने पेपर अच्छे से करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जब पेपर हो जाए तो ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ हो सके तो अपने पेपर की पिक मुझे आप व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा जिससे मुझे ही बता रहे कि जो मैंने स्टूडेंट्स को तैयारी कराई थी तो वो कहाँ तक उनके लिए लाभदायक रही और आगे फिर उसी हिसाब से तैयारी चलती रहेगी आपकी सेकंड सेम में शुरू से ही हमने कहा है कि आपकी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर है लोकतंत्र का अर्थ परिभाषाएं औचित्य है तो यह भी यूनिट आपकी बहुत सारी यूनिट मैंने शुरू में ही कहा था कि जितने भी यूनिट हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है सभी यूनिट में से चाहिए थोड़ा पूछे लेकिन पूछेंगे जरूर लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र का परिभाषाएँ हाँ हर टॉपिक लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र की विशेषताएं गुण दोष अगर आप नहीं करके जा रहे विशेषताएं करके जा रहे तो यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हो आप है ना तो थर्टीन यूनिट हो चुके हैं थर्टीन के बाद अब हमने चलना है आपके फोर्टीन की तरफ टोटल सिक्सटीन यूनिट है ना क्योंकि ऊपर तो हमने देखी ही नहीं कितनी यूनिट है वो तो कल ही वीडियो में देखा था कितनी यूनिट है कोई बात नहीं चलते रहेंगे काम बनते रहेंगे चलिए लोकतंत्र संबंधी विभिन्न अवधारणा और अभिजन का सिद्धांत अभी यहाँ पर हमने देखना है ये यूनिट मुझे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपको कुछ पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये आप कर सकते हैं जैसे मेनहाइम के विचार सुम्पिटर सुमपीटर सार्टोरी तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा सिर्फ आप पढ़ लीजिए अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पर दो चारों टॉपिक में से किसी के भी विचार आपसे पूछे जा सकते हैं हम तो बताने की वही कोशिश करते हैं कि शॉर्ट भी हो और आपका काम भी हो जाए अरे ये तो यूनिट खत्म हो गई फोर्टीन यूनिटी थी यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर देखिए वैसे नहीं दिया है लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं आपके अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर ठीक है तो कोई बात नहीं जो हमने बता दिया है उसको आप करते रहिए और अपनी तैयारी के साथ साथ हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए तो हो जाइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं